Hey guys, welcome or welcome back to my channel Missing Perfectionist. My name is Alia and I'll really appreciate if you take a moment to subscribe to my channel and please watch the video. जो है कलर करेक्शन दैट्स मेन. सो कलर करेक्शन के हिसाब से जो है मैं आपको एक यहाँ पर या तो यहाँ पर एक जो है सर्कल दे दूंगी जो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ. अभी अगर आप मेरा फेस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है मुझे पिंपल के स्पॉट्स है, डार्क सर्कल्स है, यहाँ पर मेरा डिस्कलरेशन है, ठीक है, यहाँ पर भी मेरा डिस्कलरेशन है. टेक्निकली ये थोड़ा येलोइश स्पॉट. सो अगर आपको ब्लैक स्पॉट्स है यानी आपको ब्राउनिश या ब्लैकिश या डार्किश स्पॉट्स है तो आप ऑरेंज कलर करेक्टर यूज कीजिए ताकि ये जो है हाइड हो जाए और फिर इसके ऊपर आप फाउंडेशन यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास फेस पे रेडनेस है तो आप यूज कर सकते हैं ग्रीन कलर करेक्टर. अब एक पीचिश कलर करेक्टर भी आता है जो मोस्टली ऑरेंज कलर करेक्टर का काम करता है बट जिसका एकदम फेयर स्किन हो उसके लिए. अगर आपका व्हीटिश स्किन है मेरी तरह और डार्कर टोन में है तो आप ऑरेंज कलर करेक्टर यूज कर सकते हैं फॉर डार्क सर्कल्स, ब्राउन स्पॉट्स एंड डिस्कलरेशन लाइक दिस, ठीक है. और रेड, जब आपके फेस पे रेड पिंपल भी रेड होते हैं, पिंपल्स आते हैं, रेड मार्क्स आ जाते हैं या रेडनेस है तो उसके लिए आप ग्रीन यूज कीजिए, ठीक है. और अगर किसी के फेस पे येलो स्पॉट्स, अब ये देखा जाए तो ये डार्क लगेगा बट ये थोड़ा बहुत येलो रहता है बिकॉज टैन हो जाता है तो यहाँ पर पर्पल करेक्टर कलर करेक्टर भी आता है, वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. और होता है येलो कलर करेक्टर. येलो जो कलर करेक्टर होता है वो टेक्निकली जो भी आपके फेस में डलनेस है उसको ब्राइट करने के लिए यूज करते हैं. येलो कलर करेक्टर आप टेक्निकली ये जो सेम डार्क स्पॉट्स एरिया पे भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि हम हाइलाइटिंग कंसीलर यूज करते हैं उस टाइप पे हम येलो कंसीलर यूज करेंगे वो जो हिस्सा है वो हाईलाइट होगा. ये वाला हिस्सा जो डल हिस्सा है ये हाईलाइट होगा, ये हाईलाइट होगा. यहाँ पर हम करते हैं तो ये सारी चीजें जो है वो हाईलाइट होगी. सो टेक्निकली अगर आप के पास ये ब्राउन है तो अब यहाँ पर जो है मैं तो यही बोलूंगी कि आप फाउंडेशन के ऊपर अगर येलो करेक्टर लगाते हैं तो वो जो है डलनेस हटाते हैं, उसको ब्राइटनेस देता है. टेक्निकली ब्राइटनिंग कंसीलर आप बोल सकते हैं. अगर यहाँ पर ब्लू है और यहाँ पर ऑरेंज है तो मतलब जो ब्लू मार्क्स है या ब्लैक मार्क्स है या डार्क मार्क्स है तो वो यूज होता है ऑरेंज कलर करेक्टर, उसमें यूज होता है. अब यहाँ पर जो है येल्लो है और यहाँ पर पर्पल मार्क्स है, ठीक है. सो जो पर्पल करेक्टर है वो येल्लो में यूज होगा अगर आपके फेस पे कुछ येल्लो इश है तो. और येल्लो एग्जैक्टली पर्पल में यूज होगा. किस हिसाब से मैं पर्पल में बोल रही हूँ कि वो डलनेस तो हटाएगा. पर्पल इन सेंस क्या, पर्पल हमारे फेस पे नहीं होता लेकिन जिस जो डलनेस है उसको हटाएगा, उस हिसाब से समझो, ठीक है. फिर उसके बाद आता है दूसरा कलर करेक्टर ग्रीन. अभी समझो यहाँ पर ग्रीन है. अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता वो मैं यहाँ पर किस में किस हिसाब से रहेगा, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, जस्ट इज एन एग्जाम्पल. यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पर पिंक है, मतलब पिंक और रेड जो भी मार्क्स रहेगा वो ग्रीन कलर करेक्ट करता है, ठीक है. सो ये मैंने अपनी तरफ से आपको एक्सप्लेन किया है. अगर आपको समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं और अच्छे से इंशाल्लाह ट्राई करूंगी एक्सप्लेन करने का, ठीक है. ऑब्जर्व हो चुका है हमारे फेस में. अभी हम बढ़ेंगे कलर करेक्टर की तरफ. अगर मैंने आपको बताया था जो ब्लैक स्पॉट्स वगैरह है डिसकलरेशन है हम ऑरेंज करेक्टर यूज करेंगे. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मेरे पास एक ट्रिक है, ये मेरे ऊपर काम करता है, जरूरी नहीं है कि आप पे भी काम करे बट वो करता ही है. इस ऑरेंज करेक्टर में मेरे पास दो ऑप्शन है, ये एक ये है एले गर्ल का और ये एले गर्ल प्रो कंसील ऑरेंज करेक्टर ये वाला. दूसरा ऑप्शन है आप NYBA का ये पूरा जो है किट ले सकते हैं. आई थिंक सो ये किट नंबर 7 है, ये शेड नंबर 7 है. इसमें भी ऑरेंज करेक्टर आता है, कंसीलर और कॉन्टोर आता है और ये सिर्फ ऑरेंज करेक्टर है बट मुझे ज्यादा सही ये लगता है इससे बिकॉज ये थोड़ा ज्यादा ही क्रीमी है. सो आई डोंट नो बट आई लाइक दिस. दिस इज ऑल्सो क्रीम फॉर्म. ऑरेंज करेक्टर की जगह पे मोस्टली हैक्स देखे कि ऑरेंज लिपस्टिक्स या रेड लिपस्टिक्स आप यूज कर सकते हो. मैंने पर्सनली ट्राई किया है, मेरे पे वो वर्क नहीं किया. मे बी वो लिपस्टिक का फॉर्मूला सही नहीं था, आई डोंट नो. सो देखते हैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करके. ये वाला जो है
मैं आपको ये वाला रिकमेंड ज्यादा करूंगी, अब बाद में वो भी ले सकते हैं आपके पर। देन अब मेरे यहाँ पर जो है वो ब्लैक स्पॉट्स है, तो मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगी, यहाँ पर अप्लाई करूंगी, यहाँ पर भी मुझे ब्लैक स्पॉट्स है, तो मैं यहाँ पर भी अप्लाई करूंगी। ठीक है, अभी आप इसको या तो स्पॉन्ज की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो या तो ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप मेकअप कर रहे हो, अपना खुद का भी, अपना खुद का ही यूज किया हुआ टूल वापस अपने फेस पे यूज मत करो, नया धुला हुआ टूल यूज करो। ये मैंने धुला हुआ है, ये मेरे पास एक्चुअली धुला हुआ नहीं था इसलिए मैं ये यूज कर रही हूँ, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी धुला हुआ टूल ही यूज करो, वॉश करके ही आप अपने ब्रशेस यूज करो। उसका रीजन ये है कि उससे पिंपल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, बिकॉज वो ब्रेकआउट्स देता है एंड इट्स नॉट हाइजीनिक, सिंपल। वेट करके जो है वो कभी भी मेकअप करें, उसका रीज़न ये है, एक तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है, लॉक हो जाता है अगर आप सेटिंग स्प्रे से जो है स्प्रे करते हो, और दूसरा रीज़न ये है कि फ्लॉलेस फिनिश बनता है। ऑरेंज कलर के ऊपर अगर फाउंडेशन लगाती हूँ तो मेरा जो है फाउंडेशन जो है ऑरेंज कलर में हो जाता है, मिक्स हो जाता है। आई डोंट नो ये सिर्फ ऑयली स्किन के साथ है या ड्राई स्किन के साथ भी है, बट आई थिंक सो ये ऑयली स्किन के साथ है, इसलिए ये ऑयली स्किन का हैक मैं बता रही हूँ। इसके ऊपर जो है लूज पाउडर, कोई भी लूज पाउडर, मैं जो है स्पिन्स का लूज पाउडर यूज करी हूँ, मैंने वो एक ऐसे डब्बे में डाल दिया, इसमें ऐसे शिमर था, मैंने मेरे को वो लाइक चंकी था तो मैंने उसको फेंक दिया, और ये जो स्पिन्स का जो लूज पाउडर है मैंने इसमें डाल दिया है DIY। अब ये जो है मैं बहुत हल्का लूंगी, आप देख सकते हो मैंने ऑलमोस्ट हल्का ही लिया है, और मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर लूंगी बस, ताकि पुश करूंगी, ज्यादा मुझे नहीं लेना है, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं, ताकि वो जो है वो लॉक हो जाए और वो मेरे फाउंडेशन में मिक्स ना हो, मेरा मेन मोटो ये। ये जो है ये मेरा कलर करेक्शन का वीडियो था, इसके आगे आपको फाउंडेशन कैसे अप्लाई करना ये भी वीडियो आएगा, और बाकी वीडियो आएंगे तो आप वो देख सकते हैं। सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।